हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में एक ज़बरदस्त लेमन चटकारा बोटी बनाने की रेसिपी, जो कि आप बकरे ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक स्नैक रेसिपी है और बहुत ही मज़े की लगती है। चलिए कैसे बनाना है सीख लेते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसमें आपको लेना होगा बोटियाँ। तो यहाँ पर मैंने मीट की बोटियाँ ली हुई हैं और ये मैंने लिया हुआ है 600 ग्राम। इसको मैंने बोटी साइज़ में कटवाया हुआ था, जिससे ये बाइट साइज़ की रहेगी और बहुत ही मज़े की अच्छी गल जाती है। इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ आधी प्याज, नमक ले रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, और साथ में 1/2 कप पानी डालना है, क्योंकि कच्ची प्याज डाली है प्लस खुद का भी इसका बहुत सारा मॉइस्चर निकलेगा, इसीलिए पानी कम डालिएगा। एक बार सारी चीज़ों को इकट्ठा मिला दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और अब आपको प्रेशर कुकर की लिड लगा देनी है और यहाँ पे इसे 6-7 व्हिसल आने तक गला लेना है। ये लीजिए, अब बोटियाँ हमारी गल चुकी हैं। इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, इसको ड्राई कर लेना है और पूरा इसको सुखा लेना है। अब इसको मैंने एक बोल में ले लिया है, इसमें वापस से मैं 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ, 1 बड़े चम्मच इसमें शेजवान की पेस्ट डालूंगी मैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर 1 छोटे चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 छोटे चम्मच, साथ में मैं कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ 1/2 छोटे चम्मच, शेजवान भी हल्की तीखी होती है और मिर्चें भी डाली हैं। इसी के साथ धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब इसमें गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करूंगी, जो कि मेरा होममेड है, और आप इसके साथ ही रेडीमेड ले सकते हैं। और यहाँ पे अब इसमें हमें बाइंडिंग एजेंट ऐड करनी है, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, तो थोड़ा जूसी बनता है, बहुत ही सॉफ्ट सा बनता है और ऊपर से बहुत क्रिस्पी रहता है। थोड़ा सा को कलर देने के लिए मैंने फूड कलर डाली और डालकर इसको अच्छे से मिला दे रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। बस इसको अच्छे से मिला दीजिए, जिससे एक अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। 2 चम्मच ही काफ़ी होगा इतने इसको कोट करने के लिए। अब यहाँ पे हमें तेल गरम कर लेना होगा, और ये ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब जब तेल अच्छे से मीडियम हॉट हो गई है, तो इसमें हमें एक एक करके ये बोटियाँ डाल देनी है और अच्छे से कोट कर कर डालना है। जो हमने मसाले की बाइंडिंग लगाई है, उसमें अच्छे से कोट कर दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। गर्मा गर्म तेल होता है ना, तो बहुत ही अच्छा ये फ्राई होगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे सारे मैंने एक एक करके डाल दिए हैं, और डालकर अब धीरे धीरे मैं फ्लेम इसका हाई करूंगी और हाई फ्लेम पे इनको मैं फ्राई कर लूंगी। एक साइड से जैसे ही डालना शुरू करते हैं, वैसे ही ये सिकने लगते हैं, तो बीच बीच में आप इसकी साइड भी चेंज करेंगे। तो पहले मैं एक बार पूरा डाल लूँ, उसके बाद में साइड चेंज करूंगी। इसकी जो साइज़ मैंने रखवाई है ना फ्रेंड्स, वो बोटी साइज़ रखवाई है, बाइट साइज़ की रखवाई है, जिससे ये खाने में बहुत ही ईजी रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखें, अब हल्का हल्का सा कलर इनके ऊपर आने लगा है। जो पहले मैंने डाला था, वो हल्का फ्राई हो चुका है, और जो लास्ट में डाला है, उसकी साइड चेंज कर दूंगी, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छा फ्राई हो जाएगा और बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। इतना मज़े का लगता है ना, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आने वाली ईद पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने मेहमानों को, घर वालों को सर्व कीजिएगा बनाकर, सभी को बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी ये। देखिए, अब यहाँ पे लगातार 4 से 5 मिनट हुआ है, मैंने सभी तरफ से इसकी साइड को चेंज कर दी है और लगातार मैं इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। आखिरी के हमें 5 से 6 मिनट इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना होगा, और पहले जब तेल मीडियम हॉट होता है ना, तब इसको डाला जाता है, और उसके बाद में इसको लगातार से फ्राई करते रहिए, और जब तक इसके ऊपर अच्छा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें जो फूड कलर डाला था, उसकी वजह से कलर बहुत खूबसूरत आया है, हल्का रेड टाइप का आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन फूड कलर ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप नहीं चाहें तो आप नहीं डालें। देखिए, बिल्कुल अच्छे से दोनों तरफ से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है ये, और बहुत प्यारा सा कलर भी आ चुका है। तो अब मैं इसको स्ट्रेनर पे निकाल लेती हूँ, और सारे मैं इसी तरह से छान कर किसी किचन टाल पे निकालूंगी, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप इसको सर्व कर सकते हैं सैलड के साथ में, तो प्याज, खीरा, नींबू और साथ में चाट मसाला वगैरह रख लीजिए, और उसके बाद में एक प्लेट में इसको निकालिए और गर्मा गर्म इसे इंजॉय कीजिए। ये चटकारा बोटी बहुत ही मज़े की लगती है। इसके ऊपर आप लेमन जूस छिड़क देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, तो बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको ऐसे ही खाएं, इसके साथ चटनी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना चटनी के ये बहुत मज़े की लगती है। तो ज़बरदस्त सी लेमन चटकारा बोटी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस ईद पे बनाइएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर से मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे ट्राई कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।